جو
रहकर हलाल कमाई के इंसान निकले, मेहनत करे, मुजाहरा करे, ये अल्लाह को पसंद है। एक मतलब अल्लाह की सलातों को बाजार में खिलाने की सलात सलावत के बनने के साथ है। सहाब ने बोला फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत में आती है, एक इंसान सहाबा के सामने से निकला, जिल्दन नसीतन, बॉडी कार्ड मजबूत था, बिल्कुल बदन के लिबास बिल्कुल मजबूत नौजवान था। तो इसी ने कहा कि इंसान सरल है, इस बात अगर ऐसा मजबूत आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो कितनी अच्छी बात है। हम इसे लिए कहने वाले हैं तो फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक घर से इसलिए निकलता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चों को खिलाने और पिलाने के लिए इसके हलाल की तलब में निकलता है तो वो अपनी सभी अल्लाह को अल्लाह के रास्ते में है। वही उनका खरज इस बात अगर वो घर से इसलिए निकलता है कि उसके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं और बूढ़े माँ बाप की हिम्मत के लिए हलाल रोजी की तलाश भी निकलता है ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदगी आराम से गुजारे, उनको हलाल रोजी मिले, वो अल्लाह का बंदा भी अल्लाह के रास्ते में है। और तीसरी बात फरमाई हुई इंसान इसलिए घर से निकलता है कि इसका भी खुलाफ सा जो किसी के सामने सवाल करने से अपने आप को बचाता है ताकि मुझे किसी के सामने सवाल करने की नौबत ना आए और हलाल रोजी के लिए कसर महाश निकलता है वो भी अल्लाह के रास्ते में। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिन का खरज यस्फा दिया का मुफाजिल फरमाए से भी अगर वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकलता है इसलिए निकलता है कि मैं मालदार बनूं, तकब्बुर करूं, लोगों को अपनी दुनिया बताऊं, फरमाए तो वो भी सभी शैतान और शैतान के रास्ते में। तो दुनिया कमाने की वो शरीयत में तरगीब है यदि शरीयत में हुदूद में रहकर। अब उधर अल्लाह ने यह कहा फरमाया करते थे लोगों जिंदगी में खैर को तलाश करो, जिंदगी में हमेशा खैर को तलाश करो, भलाई को तलाश करो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के झोंकों के सामने अपने आप को लाते रहो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के झोंके चलते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है अपने बंदों पर अपनी रहमत के झोंके भेजता रहता है। ये फरमाता अबू दर्दा फरमाते लोगों अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह बुलाया नहीं जाता। जो भी अल्लाह ताला का बंदा कोई नेकी करता है तो नेकी अल्लाह की बारगाह में बुलाई नहीं जाती और कोई गुनाह करता है तो गुनाह पुराना नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के सामने गुनाह का जवाब देना है मन अमिल सालिहन फलिनफ्सि व मन कसा फअलैहा व मा रब्बुक बिज़ल्लामिन लिलअलीम के जो भी दुनिया में नेक अमल करेगा तो नेक अमल का नफा उसी को मिलने वाला है दुनिया में भी आखिरत में। और मन कसा फअलैहा और जो भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करेगा, गुनाह करेगा, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेगा, हैवानी काम करेगा, उसका अंजाम उसी को दुनिया के अंदर भी भुगतना है, आखिरत में भी भुगतना है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअलीम आपका रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की तरकीब है, मजदूरी करें, तिजारत करें। फरमाया नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने मन अमसा कान लन अमसा मगफूर लन, जो इंसान दाबुल वाले अक्सर लकड़ियाँ काटते हैं, ट्रक चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ये काफ़ी पुरातन अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी के साथ मजदूरी करता है और मजदूरी करके शाम को घर पर वापस आता है तो उसका बदन टूट जाता है। परवरदिगार आलम मगफूर लन तबरानी की रिवायत है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर लेते हैं। मजदूर की फजीलत है आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तबूक में रहे और तबूक से वापसी पर आपकी मुलाकात मदीना के मशहूर सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह से हुई। जब आपने उनसे सफर किया तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में फुरफुरा पर था। जब आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है तो हाथ सख्त बन जाते हैं, हाथों में फुरफुरा पर आ जाता है। जब आपने उनसे सफर किया तो पूछा जाबिर तुम्हारे हाथों में फुरफुरा पर है, तुम्हारे हाथों में सख्ती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छह महीने मैं मजदूरी करता हूँ, लकड़े फाड़ता हूँ, वो लकड़े फाड़ कर अपने बाद अपने बहनों के घर का गुजारा करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हाथ को चूमा और फरमाया हाँ की ये ला तबस्सुकुन नार रवाहु मुस्लिम, ये तुम्हारा हाथ है इसको जहन्नम की आग में छू नहीं सकता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जिनके लबों पर वही वजन की थी, इतने बड़े परवरदिगार आलम ने मजबूत सहाबी को घुसा देकर उम्मत
کے مزدوروں کو ترغیب دی ہیں کہ حلال روزی کی تلاش میں انسان لکڑے بھی پاڑے، مزدوری بھی کرے، ٹرک بھی چلا دے، آٹو بھی چلا دے، تاکہ حلال روزی کے لقمے اپنے گھروں کے اندر آئے اور حرام کے راستے پر ہو جائے۔ شریعت میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ انسان گرو کے سامنے سوال کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جو انسان صدقہ نکلتا ہے، اللہ اس میں رزق کو بڑھاتا ہے۔ اور قرآن اللہ نے کہا بھائی اس صدقات جب ہم اللہ اور ربا بھائی اس صدقات اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ شریعت کے حدود کی روشنی میں ہمارا کوئی نوجوان، اکثر مجمع ہمارا ینگ بیٹا ہے، نوجوانوں کا مجمع بیٹا ہے، ہم بیکار زندگی نہ گزارے، اپنے آپ کو بڑا بزنسمین بناوے، بڑا کاروباری بناوے اور ہم مثالی بیماری کرے انسانی۔ سعید مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قابلی گزرے ہیں، اتنے بڑے قابلی، ان کا اتنا بڑا زیتون کا تجارت تھا، اردن میں، سیریا میں اور لبنان میں، ملک شام کے جو ممالک ہیں، بڑی بڑی ان کی منڈیاں زیتون کی تھیں کہ لوگ ان کو سعید زیتون کے نام سے پکارتے ہیں۔ اتنی بڑی منڈیاں زیتون کی چلتی تھیں، لیکن سعید مسلم فرماتے ہیں زندگی کے 25 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ یہ تاجر ہے اور تجارت کرتے ہوئے کسان بھی اتنا بڑا تاجر کہ میں کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ وہ زندگی کے 15 سال پہلے سے گزرے ہیں، اللہ کی قسم کے مسجد میں آنے کے بعد میرے عذاب کے کلمات سنے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور اذان ہوئی، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ مدینہ منورہ کی ساری مارکیٹ مارکیٹوں میں تالا لگ گیا، دکانیں کھلی ہیں، صحابہ کا مجمع، تابعین کا مجمع، مدینے کے بزنس میں، مدینے کے تاجر اپنے دکانوں پر چھوٹ چھوٹ کے خدا کی گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اللہ بڑا ہے، میرا مال چھوٹا ہے، اب اللہ بڑا ہے، میری دکان چھوٹی ہے، اگر میں سونا اور چاندی کا تاجر ہوں، اگر میں ٹرانسپورٹ کا بہت بڑی گاڑیوں کا مالک ہوں، اللہ اکبر کے سامنے میرے کاروبار کی کوئی ویلیو نہیں، میرا کاروبار اللہ کی طاقت کے سامنے زیرو ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے میرا کاروبار زیرو ہے، اب میں دکان کھول نہیں سکتا۔ یہ میں عمر فرمان جب میں نے منظر دیکھا مدینہ منورہ کا، اس وقت میری زبان پر یہ آیت آ گئی، تجارۃ لا تلهیهم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ تو ایسے مرد ہے، قرآن نے ایسے بزنس مین کو مرد کہا، ایسے مرد ہے کہ جن کی تجارت، جن کا خریدنا، جن کا بیچنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور اپنے مالوں کی زکات کے دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں ڈر، ان کے دل میں ڈر اس بات کا ہے، اس بات کا ڈر نہیں کہ کہاں چلا جائے گا، اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے مرادہ شہر میں دالگرواں کی مارکیٹ میں اکثر ویاپاری گاہکوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا گاہک یہاں چلا گیا، میرا گاہک یہاں چلا گیا۔ ان کو گاہکوں کے جانے کا ڈر نہیں ہے، ان کو اس دن کا ڈر ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائے گی اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی اور وہ قیامت کے دھماکے کا دن ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بیرون المتففین پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیسا دن ہوگا جس دن رب العالمین کے سامنے انسانوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اس آیت پر ابن عباس پہنچے ہیں، روتے روتے ہچکیاں طاری ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہر صحابی کی زندگی میں موجود تھا۔ کہ جان امانت ہے، مال امانت ہے، جوانی امانت ہے، زندگی امانت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امانت کا حساب لینا ہے، اللہ کے سامنے ایک ایک زندگی کا حساب لینا ہے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں، تابعین کے دلوں میں، اللہ والوں کے دلوں میں یہ بات ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ اس لیے والو زندگی بہت سمپل میں گزارو، دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں اللہ کی محبت، انسان اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کنکنوں سے روشن ہے،
पर दिल का इलाज से ज्यादा तारीख है, मस्नूई कहत है, उम्मीद है, पर दिल उन्हीं एहसास होता है, चेहरे इनके चमकते हैं, पर दिल के अंदर गहराई है, लिबास हमारे सर कमाता है, पर दिल के अंदर खाका रोज है, ऊपर तो रंगों की बहार है, अंदर तो बेरारों के राज है, ऊपर तो खुशियों के सामान है, अंदर तो बर्बादियों के गीत है, ऊपर से खुशहाल अंदर से बदहाल, ये क्यों हो रहा है कि दिल किसी और की मोहब्बत में चला जा चुका है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल उम्मती बैन सिद्दीन
جگہ جی جگہ دے کی دنیا
تماشا نہیں ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہیں، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ دنیا کھیل کود ہے، دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، دنیا تو مچھر کا پر ہے۔ قرآن نے اپنے بندوں کو کہا
آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور صدیق اکبر نے یا رسول اللہ میرا ارادہ کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کروں, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. صدیق اکبر واپس تشریف لائے, اگر عمر نے سب کو کہ یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں آئے, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت بھائی بالکل نوجوان تھے, اللہ کے نبی کے قزن بھی تھے, آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے, آپ کے گھر کے فرد بھی تھے, یہ بھی تھے, رشتے دار بھی تھے, کبھی ایک پولیس سے بھی تھے. تو صحابہ نے کہا بھائی تم کرو تمہارا ہو جائے گا, تمہارا سیٹ ہو جائے گا. اب قدرت میں موف نے دیا بھائی تم جاؤ. جیسے حضرت بھائی اندر گئے اور جیسے میرے نبی کو دیکھا, ہاں صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ کے نبی کے قدمے کا روح حضرت علی پر چھا گیا, کچھ نہیں بول سکے. آپ نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ جواب نہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ ہم پر روح کا مسیر شہر ایک مہینے کی مسافت پر روح میرے نبی کا پڑتا تھا, اور آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت جوان, اتنا خوبصورت بد دعا. امام رازی تفسیر کے کب ہیں تین ترجمے کیے, ایک ترجمہ آپ کو بتاتا ود روحا, اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعك ربك وما قلا تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے, وللآخرة خیر لك من الاولی, نبی کی آخرت دنیا سے بہتر ہے, ولسوف یعطیک ربك فترضى, اے میرے پیارے محبوب تیری قربانی کی بنیاد پر, تیری عبادات کی بنیاد پر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آپ کو کہا تھا مجھے مت بھیجو. اس کو کہا ہوگا کہ انشاءاللہ کہا. عبدالمن خوف نے فرمایا نبی کا انشاءاللہ تھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فاطمہ کے نکاح کی وحی آ چکی ہے کہ فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے ہوگا, لیکن آپ نے ہاں کیوں نہیں کہا, ہاں کیوں نہیں کہا؟ یہ امت کو میسج دے رہا تھا کہ بیٹی سے بھی رشتہ پوچھو, کس سے رشتہ کرنا ہے. بیٹی بھی راضی ہے کہ نہیں, جوان لڑکی ہو چکی ہے, جوان لڑکا ہو چکا ہے, جوان لڑکے سے نہیں پوچھو, جوان لڑکی سے نہیں پوچھو. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر پہنچے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے منظور؟ فاطمہ نے کہا ہاں مجھے قبول ہے. پھر آپ نے کہا کہ اب نکاح کے لیے آ جاؤ. ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ بات بولنی چاہیے, اپنے ماں باپ کے پسند کیے ہوئے رشتوں کو قبول کریں. ماں باپ کو انوبھو ہوتا ہے, ماں باپ کی زندگی گزاری ہوتی ہے, ماں باپ نصیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں, ماں باپ اونچ نیچ سے خاندان سے واقف ہوتے ہیں. ہم گوری چمڑی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ کے پسند رشتے کو منظور کریں, لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے, بیٹی جوان ہو چکی ہے, اس کو بھی تو پوچھنے کا حق ہے. زندگی بیٹے کو گزارنی ہے, زندگی بیٹی کو گزارنی ہے. جب حضرت علی فاطمہ نے آپ کا آپ نے حضرت علی کو نکاح میں بلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے نکاح میں خاص طور پر دو صحابی کو یاد کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو یاد کیا. ان دونوں کا آپ نے نکاح میں دعوت دی, آپ کے صحابہ کا مجمع تھا, آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا. پھر کہا اے علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح 400 درہم مہر کے عوض میں میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی, کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ علی نے کہا لقد تمام وقت تو یا رسول اللہ, میں نے آپ کی بیٹی کی نکاح میں قبول کی. جو فوراً سجدے میں چلے گئے, سجدے میں چل کر یہ آیت پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وحدی من المسلمین. جب یہ آیت پڑھی شکر کی تو میرے نبی نے فرمایا آمین آمین آمین. آپ نے اپنی بیٹیوں تین بیٹیوں کی نکاح میں آپ نے
نصیب فرمائے کہ آپ کی سنت ہے، لیکن بیٹی فاطمہ کی نکاح میں آپ نے شہد کا شربت تقسیم کے مدینہ والوں کو مزید پلایا. اس کے بعد آپ نے کہا رخصتی دے دی، بہت سارے اخبار ہیں، 2.5 سال کے بعد ہوئی، 1.5 سال کے بعد ہوئی، 1 سال کے بعد ہوئی، لیکن رخصتی فوراً دے دی. جب کچھ مدت کے بعد حضرت علی کے چھوٹے بھائی حضرت عمری عقیم جگہ علی رخصتی ہو جانے تاکہ وہ تیار ہو، یہ دونوں سلمان فارسی کے پاس گئے، سلمان آپ آگے بات چلاؤ، فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. سلمان فارسی کا اندر کے نبی کی بیگاہ میں بڑا مقام تھا. میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے، سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں. اور ایک روایت ہے مسند احمد کی، سارے دنیا کے انسان جنت کے مشتاق ہیں، جنت سلمان فارسی کے مشتاق ہیں. اتنا بڑا سلمان عربی نہیں ہے ہماری طرح عجمی ہے، سلمان عربی نسل نہیں ہے، سلمان تو ایرانی ہے. فارس سے گشت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. سلمان منا من اہل البیت، اطاعت کی بنیاد پر، طلب کی بنیاد پر، قربانی کی بنیاد پر اتنا بڑا مقام بارگاہ نبوت میں ملا ہے. ہوتی ہے تو عورتیں دل کر بچی کو گھر پر جا کر چھوڑ کے آ جاتی ہیں.
करोड़ों की जिनकी बम्बे में सेवन हेवन होटलें हैं और उनकी फाइव स्टार होटलें हैं, लेकिन निकाह को इतना आसान सादा बना दिया है। मेरे जवानों, नदी की सुन्नत घरों में लाओ, तुम्हारे घर से रुकिया की जमानत पैदा होगी। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को नेक बनाएगा, वरना याद रखना माल तो खत्म होने वाली चीज है। अगर हमने माल को ख्वाहिशात पर लगाया, खुराफात पर लगाया, फजूल खर्ची पर लगाया, बर्बादी यकीनी है। अल्लाह ने और आपकी और आपकी रसूल की हिफाजत पर आपने कहा मेरी बेटी फातिमा को गुलशन बनाओ। फिर हजरत अली और हजरत अकी उटनी लेकर आए, छोटी सी बारात उटनी लेकर अली के घर पर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। बेटी बेटी फातिमा का दामन मैं पकड़ा, अली का हाथ पकड़ा, मियां को अल्लाह के नबी की बेटी की फातिमा मुख्तसर निकाह बनता करो। हाँ, फातिमा का हाथ अली के हाथ में दिया और अली का हाथ फातिमा के हाथ में दिया। फिर कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मेरा महबूब तो रिश्ता था मदीना मुनव्वरा का, तो हमने तेरा रिश्ता किया है। अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक हो, नबी की बेटी मुबारक हो। फिर अस्मा बिनत उमैस और उम्मे ऐमन दोनों को भेजा, मेरी बेटी फातिमा को रुखसत करके आओ। आपने कहा कि मेरी बेटी को हाथ पर दरवाजा निशान का तुम्हारे घर पर आता हूँ। इसके पहले आपने पानी मंगवाया, पानी प्याले में आपने उंगलियां डाली और आपने बहुत बदते सूर्य पर सूर्य नाश पर आपने दम किया, अपने उंगलियां डाली और फातिमा के सीने पर हजारी के सीने पर पानी छटका, उनकी गर्दन पर पानी का छटका किया। फिर कहा जाओ मेरी बेटी को ले जाओ। आप निशान के बाद घर पर पहुंचे, फातिमा आगे को बिठाया, फिर आपने प्याले में पानी मंगवाया, आपने बहुत बदले सूर्य फरक सूर्य नाश पर आपने दल किया और दल करने के बाद आपने सीने पर कमर पर और पेशाने पर पानी छिड़का। फिर आपने दुआ फरमाया, इन दोनों में जो कचरा का फरमा उनके पिता ने बरकत दे, अल्लाह उनको नेक और बरकत दे, उनके साथ जोड़ और मोहब्बत पैदा फरमा दे। दुआ करने के बाद फिर आपने कहा, अली वलीमा करो, या रसूल अल्लाह तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वलीमा करना सुंदर से फर्क नहीं है, अगर अपने पास पैसे हैं तो करे, कर्जा लेकर वलीमे न करे। एक सूद की बवा चल पड़ी के बाजारों में, सूद जिस कौम के मर्द औरत मौसीकी के रसिया हो और बच्चे बच्चिया गाने सुनने के आदि हो जाए, माओ को आंखें दिखावे, पाँव से बदतमीजी करे, बाजारों में सूद चले, नाम तुल के पैमाने गलत हो जाए, चंद की कोपर जालिम छूट जाए, इंसान फरोख कर दिया जाए, मजलूम की हायका सुनने वाला कोई न हो। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस दुनिया को, अल्लाह ताला ने दुनिया को, अल्लाह ने बदले की जगह नहीं बनाई। अगर ये दुनिया बदले की जगह होगी तो मैं वरा कब से दुनिया से खत्म हो जाते। अल्लाह के नबी की दुआओं ने हमें बचाया है कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जब मैंने कलमा बताए, दरवाजा पीट निकाला, जिब्राइल पीछे, जिब्राइल मलकुल मौत क्यों आए हैं, क्या आप यूं कब्जे करने आ रहे हैं कि जिब्राइल मलकुल मौत को यूं कह दो, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। कौन सी उम्मत शराब पीने वाली, कौन सी उम्मत रक्स खाने वाली। नबी फतेह वाली के अमलदार में रात में जरा बयान करके आ रहा था, एक नौजवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ को पानी से मार रहा था, बूढ़ी माँ को पानी से मार रहा था। मैं पूछा उसको पकड़ा भी क्या है, बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा जवान लड़का जब पैदा हुआ था मैंने पूरे फतेह वाली के पेड़े तकसीम किए थे, बेटे की 45 पर मेरा बेटा काम नहीं करता, आवारा लड़कों के साथ घूमकर टेंगड़ी तक खाता है, नशे कर करके जिंदगी बर्बाद करती है, जब रात को घर पर लेट आता है उसकी आंखें लाल होती हैं, बच्चे और उसकी बीवी घर में बाथरूम में छुप जाते हैं। माँ को माँ होती है ना, तो मैं सामने जाती हूँ तो मुझे पाइप से मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ डाली है। ये उम्मत के बदमाशों का हाल है जो अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह के रसूल को भूल चुके हैं। मेरे जवानों, आगे बहुत बड़ा खतरनाक अंजाम मेरा और आपका होने वाला है। अल्लाह के सामने मुझे और आपको खड़ा होकर अपनी जवानी का हिसाब अल्लाह को बताना है, बताना है। आपकी बेटी फातिमा अली वलीमा करो, तो हुजूर मेरे पास पूछ रहे हैं, आपने हजरत अली को 9 दिरहम दिए, कहता अली 5 दिरहम के छुआरे ले आओ,
तीन तिरहम का, तीन तिरहम का पनीर ले आओ, पनीर तिरहम का घी ले आओ। अगर जब अनिल आए तो आपने छुआरों से कलिया निकाली और अपने छुआरों को आपने पीसा और अपने पीस तैयार किए अपनी बेटी फातिमा के दिखा दी। साबिर को दादा जी हम मेरे पर छतरा है, सीप है 14-15 किलो का, आपने कहा हम जमा करो। और इस दिन जौ की रोटियां बनाई गई, गरम गरम सालन बनाया गया, सुसर वो देव पर बैठे और आपने पूरे मदीना वालों को वलीमा खिलाया। अगर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फातिमा जैसा वलीमा अपने मास पर कभी जिंदगी में नहीं पाया। ये मेरे नबी की बेटी फातिमा की शादी और वलीमा है भाई, वो सुन्नत को जिंदगी में लाओ, सुन्नत को जिंदगी में लाओ। जब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए तो हुजूर ने रूह कब्ज करने आया हो, जिब्रील ने कहा हुजूर मलकुल मौत है, कहां इनको पूछो मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। कौन सी उम्मत ट्रस्ट खाने वाली, माँ बाप को धक्के खाने वाली, सूद के पैसे लाकर बिल्डिंगों को बनाने वाली, लोन पर गाड़ियां चलाने वाली, लोन पर व्यापार करने वाली, लोन पर बिल्डिंगों के महल खड़े करने वाली, ये उम्मत माँ बाप को बीवी की बात सुनकर माँ बाप को घर से धक्के मार कर निकालने वाली, बीवी की बात सुनकर भाई भाई से कटा, भाई बहन से कटा, घर में माँ गलत गई, एक ही कलिया में खेलने वाले दो भाई, एक ही माँ की छाती का दूध पीने वाले दो भाई दो बहने, चंद पैसों की बुनियाद पर, चंद पैसों की बुनियाद पर भाई भाई से कटा, भाई बहन से कटा, घर गुजर चुका मेरे भाइयों को। अरे मेरे भाइयों घर गुजर चुका है, भाई के जनाजे में भाई नहीं, भाई के लड़के के निकाह में भाई नहीं, चचा नहीं, मामू नहीं, माँ की मोहब्बत ने दिलों से मोहब्बत को खत्म कर दिया। कहा अलगुल मौत मेरे भाई, और इस वक्त अल्लाह करके ने फरमाया जिब्राइल मेरे अल्लाह को जाकर कह दो मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरे नबी को जाकर कह दो हम आपकी उम्मत को आपके जाने के बाद अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह इकबाल ने रोते रोते कहा है किसी गमगुसार की मेहनतों का मैंने अजीब सिला दिया, जिसे मेरे गम ने बुला दिया उसे मैंने जी से बुला दिया, मैं तेरे मजार की जालियों की मेहनतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन के फिजा का जाल बिछा दिया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के नौजवानों को बनाने के लिए क्या कुर्बानी पेश की है, क्या जिंदगी गुजार के गए हैं। पता हमेशा फरमाती जब मेरे घर पर मेरे नबी की सोने की बारी होती थी आपको भूख लगती थी तो आप चारपाई के लकड़ी पर उल्टे हो जाते थे भूख की वजह से। हजरत आयशा फरमाती श्री समाजी तिर्मिजी की रिवायत हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं, हम अपने लकड़ी को पेट पर क्यों यूं करके सहारा लेते हैं। तो आयशा भूख लगी है, आयशा भूख लगी है, आयशा भूख लगी है, जो नबी तड़प तड़प के दुनिया से गया हो तुम्हारी शादियों में फिजूल खर्ची हो रही हो, तुम्हारी शादियों में कल सारंग की बज रही हो और लड़कियां हजारों महंगे महंगे जोड़े पहन के शादी कर रही हो, वो फातिमा का फातिमा की जिंदगी देखो। दुनिया से जाने का वक्त है, नसीहत कर रही है मन खुद फन नहीं लग, मुझे रात के वक्त दफन किया जाए, मेरा जनाजा दिन में निकले, मुझे मदीने के किसी काफिले ने मुझे देखा नहीं है कि फातिमा का बदन छोटा था या बड़ा था, क्या मेरे नबी ने अपनी बेटी की तरबियत की है। मेरे भाइयों कुरान का हुक्म है या अय्युह अल्लज़ीना आमनू कु अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप अपने घर वालों को आग से बचाओ। अजानी फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम अद्दीन, अपने औलादों को अल्लाह का दीन सिखाओ, खुद भी नमाज के पाबंद करो, औलादों को नमाज के पाबंद बनाओ, खुद भी गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। और मेरे जवान वक्त हो चुका है अपने आप को रातों के खलबतों के गुनाहों से बचाओ, खलबतों के गुनाहों से बचाओ, बड़े बड़े गुनाह बिस्तरों पर हो रहे हैं। जो अल्लाह ने आंख दी है मेरा बाप आंख की रोशनी खत्म करने पर कादिर है, यादव खादिर तलबाई अमातों के सुदूर, अल्लाह तो आंख के ख्यालों को जानता है। गलत देखने के बाद दिल में जो तुम्हारे दिल में वसवसा पैदा हुआ है किसी के बारे में, दिल के हालात को मेरा अल्लाह जानता है। आहिस्ता बोलो तो भी सुनता है, जोर से बोलो तो भी सुनता है। यहाँ सिर्फ दिल में इरादा आया एक ही
का बुराई का उसको भी जानता है। वाफा अभी तक तुम्हारे दिल में इरादा नहीं हुआ, मुस्तकबिल में कौन सा इरादा दिल में आएगा, मेरे अल्लाह को वो भी खबर है। मेरे मलक दरगाह में शागिर्दों को फरमाया, ए मेरे शागिर्दों की जमात, ऐसा तुम कोई काम मत किया करो कि लोग तुमसे नफरत करें। तो शागिर्दों ने कहा, बदल हम तो ऐसा कोई काम नहीं किया करते कि लोग हमसे नफरत करें। हजरत दरगाह रजी अल्लाह फरमाया, सुनो जब कोई नौजवान या कोई इंसान रात को बिस्तरों पर गुनाह करता है, खलबतों में रहकर की नाफरमानी करता है, इस वक्त कहा जब गुनाहों के असबाब नहीं थे, मोबाइल की दुनिया नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, घर में बने थे कमरे अलग अलग नहीं थे, उस वक्त कहा जब कोई इंसान रात को खलबतों में गुनाह करता है, जब सुबह में उठता है, परवरदिगार आलम उस बस्ती के उलमा के दिलों में, उस बस्ती के बुजुर्गों के दिलों में, नेक लोगों के दिलों में लापाकस की नफरत को डाल देता है। पर शेख लिखा है कि खलबत के गुनाह करने से मौत के वक्त कलमा सलम हो जाता है। मेरे भाइयों मत करो गुनाह, क्या कहा मोबाइल से मेरे और आपने देखा है, अल्लाह को सब कुछ पता है। या बुनैया इन्नमा इत्तकु मिसाल हब्बत मिन खरदल फतकुन फी सहरा औ फिस समावात औ फिल अर्द यहदिनी अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। लुक्मान हकीम ने बेटे को फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, तो राय की दाली के बराबर नेकी करे या गुनाह करे, पहाड़ों की चट्टानों पर, आसमान के किनारों पर, जमीन के तहखाने में जाकर करे, कितने अंधेरे लाहौर के चारों तरफ होते हैं, अंधेरों में जाके गुनाह हो रहे हैं, कमरे में गुनाह हो रहे हैं, बिस्तरों पर गुनाह हो रहे हैं, शादी होने के बावजूद बीवी पास में सोई है, गलत चैटिंग हो रही है, बीबिया शोहर की गैर मौजूदगी में गलत चैटिंग कर रही है, जब तीबी अल्लाह अल्लाह उसको लोगों के सामने खुलेगा, तुम्हारे गुनाह उम्मत के सामने अल्लाह वो पर करेगा, रातों की तहज्जुद अल्लाह उम्मत के सामने लाएगा, और रातों की खलबतों के गुनाह अल्लाह की उम्मत के सामने खुलेगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, मेरा अल्लाह तुम्हारे बारे चीजों को देखने वाला है। इससे मेरे भाइयों हमारा पूरा मजमा आन तौबा करके उठे। मुझे तो बयान हज पर करना था, हज का मौजूद लेने बैठा था कि मैं हज पर कुछ बात करूं, लेकिन अक्सर मेरे नौजवान बच्चों को देखा, मेरी जबान पर अल्लाह ने बातें आपकी मदद से जारी कर दी, मेरे मौजूद की इशरा के लिए बैठा हूँ, पर अपने आप को गुनाहों से पाक करो, ईमान बनेगा तो गुनाहों से बचोगे, ईमान बनेगा तो आमाल बनेंगे, और आमाल बनेंगे तो अखलाक बनेंगे, और अखलाक बनेंगे ईमान बनेगा तो आमाल बनेंगे, आमाल बनेंगे तो अखलाक बनेंगे, और अखलाक बनेंगे तो मुआशरा पाकीज़ा बनेगा, और ईमान दावत से बनेगा, ईमान मुजाहदे से पकेगा, ईमान अल्लाह के रास्ते में निकलने से फैलेगा, ईमान को अपनी बात की अदायगी से बचेगा, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने ईमान को मजबूत करो। ये काम चालाकियों का नहीं है, ये काम तो कुर्बानियों का है, ये काम जान बचाने का नहीं है, जान खपाने का है। सहाबा ने राहे खुदा में अपने दासे की चलाई, अहमदाबाद का नौजवान हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला सीए है, कहता मरना अल्लाह के रास्ते स्टूडेंट मेरा चिंता लगा, वो मेरी जिंदगी पढ़ती है, मैं जब निकलता हूँ कॉलेज में निकलता हूँ तो मैं रोजाना मेरा दिन का मामूल 10,000 मरतबा इस्तिगफार का है, 1,000 मरतबा दुरूद शरीफ का है, रोजाना दो पारे पढ़ने का मामूल है। खूबसूरत नौजवान है, तो भी इस घंटे अल्लाह की इश्क की जान रहा है। मेरे जवानों मेरे नबी के गुलाम बन जाओ, जब तुम दाहोद के मार्केट से निकलते हो नजरें झुका झुका कर, दाहोद की एक एक चीज नजरें उठा उठा कर कह रही है, ये कौन जा रहा है, ये तो आशिक रसूल जा रहा है, ये तो नबी का गुलाम जा रहा है, ये तो नबी से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। अल्लाह के रास्ते की दर्दर की ठोकरें खाकर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा कभी उरूज सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूं मेरा कोई घर नहीं है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपने बिस्तर को लेकर मुल्कों में जाके कब्रें बनाओ, फरमाते थे बलन अपने अखलाक का करता चला जा, जमाने के दिलों में उतरता चला जा, इधर जख्म पे जख्म खाता चला जा, उधर सारे आलम पे छाता चला जा, दुनिया को तो याद कर करके रोते तो दुनिया से मुस्कुराता चला जा।
तेरी कुर्बानी को देख कर लोग अपने आंखों से आंसू बहाते हो। तूने जब से तेरे इंतकाल पर हजारों उलमा रोए हैं, बड़े बड़े उलमा कब्र में उतरे हैं, जिंदगी को पलटा है वो सिंदर, जब जिंदगी को पलट के नबी का आशिक बना है, मस्जिदों में नाते पढ़ पर नबी का गुलाम बनाया है, उसके जनाजों पर हजारों मुजमान रोए हैं। मेरे वालों जिंदगी ऐसी गुजारो, कभी मुझसे अल्लाह की नाफरमानी कभी ना हो। हमारा हुज्जा का मजमा बैतुल्लाह में जाने की तैयारी में है, बहुत सा मजमा जा चुका है, तमाम कर रहा है, बैतुल्लाह जा रहा है, जब तमाम करता है इस वक्त क्या बोलता है, अल्लाह को कहा है तेरी मुलाकात में आया हूँ, हज तो आशिकाना सफर है, तेरे पूछे इस बहाने, कभी दिन को रात करना, कभी इससे बात करना, कभी इससे बात करना। सारे गुजस्ता हम दाऊद वाले सब हज में साथ में थे, एक यमन का साथी मिला, 121 साल की उम्र यमन के कूड़े की, 121 साल की उम्र, इंटरव्यू उसका लिया गया, हाजी साहब तुमने कितने हज किए, 21 साल की उम्र में पहला हज हुआ था, 121 साल में 100 हज पूरे कर चुका हूँ। एक यमन के बूढ़े को देखा कि वो जब बाबू सलाम पर आया, जैसे ही बैतुल्लाह उसने जो देखा वो चीख पड़ा और वो अरबी में अशआर पढ़े, यल्ला तेरी मोहब्बत में पैसे जमा करते रहा, गर गरीब था, खेती करते करते एक एक पाए जमा की, अल्लाह आंखों से बीनाई कम हो गई, मेरी आंखों में रोशनी कम हो गई, मेरी कमर झुक गई मेरे मौला, मेरी जबान ऊंची हो गई, मेरे हाथ को तेरी बात का मकबूल फरमा दे। उस शाम का मजमा बैतुल्लाह में जा रहा है, अल्लाह के घर के चक्कर लगा रहा है, जब किसी को किसी के संग इश्क होता है तो दाऊद की गलियों में चक्कर मारता है, कभी बाइक लेकर यहाँ, कभी कहाँ इधर उधर घूम रहे, ऐसे में चचा के घर थोड़ा जा रहा है, तो किसी और की मोहब्बत में घूम रहा है, जो अल्लाह की मोहब्बत में जाता है कभी बैतुल्लाह के चक्कर काटता है, कभी सफा मरवा के चक्कर काटता है, कभी मीना में और अरफात में मुस्तलिफा के चटिल मैदान में, कभी शैतान को कतरी मारकर होता है। हलहत तो यह था कि अपनी गर्दन कटवा देता, लेकिन अल्लाह ने ना कहा है, कुर्बानी को कबूल कर दे, कुर्बानी के बाद फिर मेरे भाइयों, फिर बहुत सारे हलक कराने के बाद बैतुल्लाह में तमाम ज़ियारत करने के लिए एक अजीब किस्म का मंजर है, अल्लाह हर एक हज के बैतुल्लाह की ज़ियारत फरमाए। सब साथी इरादा करते हैं इंशाल्लाह हज में जाने के पहले हर एक साथी वक्त लगाकर अल्लाह के रास्ते में जावे और दावत का काम होगा। मेरे नबी की जिंदगी के इतने पंसाल महाकृत्य गुजरे हैं, इरादा तो हमारे जवान इंशाल्लाह हम अल्लाह के दिन की मेहनत करेंगे, अल्लाह के कलबे को लेकर दुनिया में जाएंगे। अभी हमारी जमात वापिस अभी नौजवान बच्चों की पहुँची है माशाल्लाह, वैकेशन हर जवान को तमन्ना होती है, महाबलेश्वर जाऊँ, उदयपुर जाऊँ, गोवा जाऊँ, इन जवानों ने जज्बा को गुजर के अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को अल्लाह के घर में भेज दिया है। परवरदिगार आलम इन तमाम जो कुर्बानी को कबूल फरमावे, वे सब साथी इरादा करते माशाल्लाह, कौन कौन इरादा तस्वीर नहीं करता, हर इरादा करा था कौन कौन 2024 में 4 बजे लगाएगा इंशाल्लाह, आंखों का नीचे आंखों का ऊंचा है, ये तो बुजुर्गों का इलाका है। परवरदिगार आलम अब तमाम कुर्बानी को कबूल फरमा दिया, दुआ करते हैं तेरा तेरी जात वाली सुनने के लिए किसी नदी में चढ़ा फरमा दे, या अल्लाह हमसे
کہ اپنے آپ سے راضی فرمائے کہ اللہ تو ہمارا بندہ تو ہم یاترا کرا لے ایسا پوری عمر کی پوری پوری ماں پوری پوری مغفرت فرما دے اسی طرح میں ہمارا یہاں بیٹھا ہے ہماری خلوت پاک کروا دے ہماری تنہائی پاک کروا دے ہمارے ایمان کو ایمان کامل دے دے جب سے قابل دے دے جیسا سے قابل دے دے بڑے بڑے کبیرہ گناہ مشکلوں پر ہوئے ہیں ہماری سے ہوئے ہیں یہ اللہ نے سب کچھ پتا ہے ہم سے حصہ میں تمہاری اس کے گمار کرتے ہیں اے پروردگار عالم آپ بڑے مغفرت کرنے والے رب ہیں بڑے رحم کرنے والے پروردگار ہیں ہم سب گنہ گاروں کو معاف کروا دے ہم سب گنہ گاروں کو معاف کروا دے پوری امت کی پوری پوری مغفرت کروا دے مستقبل کے حالات کو قابلات کروا دے مستقبل کے حالات کو روشن کروا دے یا اللہ یا اللہ مقاتی مقرانیاں مدارس اسلامیہ دینی مراکز خانداؤں کی دینی شعبوں کی کام کرنے والوں کی علماء کی خاندان کی پرمین شریفین کی اور خصوصاً بیت المقدس کی پوری پوری حفاظت کروا دے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت کروا دے صلى الله عليه وسلم